अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर I-10 वाली साइड पे, थोड़ा सा आगे I-10। यहाँ पर दोनों गाड़ियों की थोड़ी सी मरम्मत आज चेंज करवा रहे हैं क्योंकि कल से शायद हमारा सफ़र रिस्टार्ट हो नॉर्थर्न एरिया से। इसकी वजह से हमने सोचा कि हम गाड़ियों को फ्रेश किया जाए, इनको खाना खिला दिया जाए, उसके बाद फिर कलेक्शन सफ़र जारी करेंगे। और लो जी, सुबह होते ही शुरू हो गई बारिश। अभी निकलना था हमें और यहाँ पर हो गई है बारिश। चलो देखते हैं जब निकलना हुआ। बारिश ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जब से उठे हैं तब से स्टार्ट ही है। अभी जा रहे हैं हम दूसरे घर जहाँ पर सारी फैमिली इकट्ठा होंगे, उसके बाद दोनों गाड़ियाँ लेके निकलेंगे अपने सफ़र के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इस सफ़र के साथ। वैसे यार क्या बात है इन रोडों की, क्या मोटरवे बना दिया है, कितनी आसानी हो गई है। वरना लोगों को मुजफ्फराबाद से जाना पड़ता था, वहाँ पर सिंगल रोड और इतना रश, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट, अल्लाह माफ़ करे। लो जी आ गया फेमस टनल जहाँ पर सारे लोग आकर पहले तो सबसे पहले वीडियो शूट करते हैं, एबटाबाद की टनल। इसे कहते हैं कुदरत का निज़ाम। देखें कुदरत पहाड़ों के बीच में से रास्ता गुजर रहा है और गाड़ियाँ भी चल रही है। नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन बस कुदरत अल्लाह पाक की किस तरह से इंसानों को दिमाग दिया है। और अभी पहुँचे हैं टोल प्लाजा पर, जो मानसेरा के बाद ही आता है। उसके बाद हो जाएगा सिंगल रोड, जो जाके मिलेगा किसी गांव से शायद, मेरे ख्याल से वहाँ से गुजर के फिर जाना है हमें आगे। यहाँ पर टूल देने के बाद मिलते हैं आपसे। इस रोड से उतर कर जाएंगे बीच में गांव वाले रोड से होते हुए हम जाएंगे बालाकोट। इसी बीच में हमें मिलेगा नेशनल हाईवे, बज़ाहिर नेशनल हाईवे जो सिर्फ मैप में ही बताता है नेशनल हाईवे, लेकिन है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी हरे भरे जंगल हैं और रात को तो इतना खौफनाक मंजर होता है यहाँ पर, अल्लाह ही माफ़ करे, देखने से डर लगता है इस टाइम पे। और यहाँ की खासियत ये प्याज हर सीज़न में आपको मिलेंगे। देखने में तो ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक दिखाई देता है, लेकिन बज़ाहिर तो शॉर्ट पड़ जाता है काफ़ी। ये रास्ता बीच में से होके जाता है बालाकोट। और ये यहाँ का नेशनल हाईवे, मजाक कर रहा हूँ लेकिन गूगल यहाँ पर बताता है कि ये नेशनल हाईवे ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ।
जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ इरफान अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरहान वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैर और खैरियत होंगे। अभी हम जा रहे हैं नारान की साइड, अभी रास्ते पे रुके हैं। ये का नाम है मून रेस्टोरेंट। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। खाना इतना अच्छा नहीं था, ना ही कोई सर्विस अच्छी थी, नॉर्मल था खाना, था नॉर्मल ही सर्विस थी, बस गुजारे लायक है ये तो रेस्टोरेंट मेरे हिसाब से। बाकी मैं तो रेफरेंस कहूँ, मैं तो आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर कभी भी ना आए, सिर्फ यहाँ का व्यू ही अच्छा है, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ का। ये है मून रेस्टोरेंट। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पेट्रोल भरवा लेते हैं, गाड़ियों में टंकी करते हैं फुल। हाँ, ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पर रुके हुए हम चाय पीने के लिए। लोग बनाना थोड़ा सा मुश्किल है फैमिली के साथ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितनी। पानी इतनी तेज़ से चल रहा है कि जहाँ पर हम खड़े हुए ये जो ब्रिज बना हुआ है ये भी हिल रहा है सारा। तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है नारान से, काकान क्रॉस कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह एक घंटे के अंदर अंदर हम नारान पहुंचेंगे इंशाल्लाह। एक कुनार रिवर जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था पहाड़ों का, वहाँ से लेके अभी तक हमारे साथ साथ ही चल रहा है। अभी हम रुके हुए हैं, अपनी दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, आए तो उसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये है नारान बाज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच गए हैं नारान, और अभी जा रहे हैं हम खाना खाने। और यहाँ पर एक तो ट्रैफिक और दूसरा ये चढ़ाइयाँ नारान की, तो वह तो खाना खा रहे हैं हम मून रेस्टोरेंट पे। ये है नारान का बाज़ार, जहाँ पर तो चीज़ें इतनी महंगी हैं कि माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हुए हैं ना, समझ तो गए होंगे आप कहना क्या चाहता हूँ मैं। और अभी पी रहे हैं हम ये मटका चाय। देखिए आप भी कैसे बनाते हैं ये भाई साहब मटके वाली चाय।
हाँ पाउडर।